सेकेंड रिवाइज सिंपलेस्ट टेबल है। इसमें हमें यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए यानी थर्ड वाले में, इसमें जब जैसे कि अभी बताया हमने कि टू से मल्टीप्लाई कर किया था जब, तो हमको मिल चुका है 6 0 -1, तो और यहाँ पर 1 मिला, तो बस 1 को यहाँ ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और ऐसे ही इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिल चुका है 12, और जब इस 0 को 1 में ऐड किया तो 1 मिल चुका है, इस -1 को ऐड किया 3 में तो ये 2 मिल चुका है, ऐसे ही यहाँ पर इस 0 में ऐड किया इस 2 को तो ये 2 मिल चुका है। तो इसके बाद भी हमें देखना होगा कि ये इम्प्रूव सॉल्यूशन एट दिस आइट्रेशन, यानी इस आइट्रेशन पर हमें इम्प्रूव सॉल्यूशन मिल चुका है, जेड इज इक्वल टू 12 आ चुका है, एक्स वन की वैल्यू जो है वो 4 है, एक्स टू की वैल्यू 6 है, एक्स थ्री जो कि डिसीजन वेरिएबल उसकी वैल्यू यहाँ पर जेड नहीं है तो 0 हो गई, एक्स फोर और एक्स फाइव जो कि हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं तो इनकी वैल्यू 0 0 है, इनकी हमें खास ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर इस जो टेबल हमारा आया है, ये सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन को हमें चेक करना होता है कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है। तो इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पता करने का जो मेथड है, हम लोग जानते हैं कि हम नेट एवलुएशन निकालते हैं जो यहाँ पर टेबल में मौजूद नहीं है, यानी डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, यानी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 नहीं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे हम डेल्टास की वैल्यू। फार्मूला वही रहता है, फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, और B1 इनवर्स निकालते हैं, ये जो टेबल ले रखी होती है यही होता है, और इन डेल्टा के करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको लिखते हैं, यानी अल्फ़ा 3 की वैल्यू, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5, ऊपर आप 1 लिख देंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को डिनोट कर रहा है। और इस जो टेबल है आपका रिवाइज सिंपलेस्ट टेबल थर्ड वाली, इसमें B1 की वैल्यू 1 2 2 है जो कि एक रो में है, तो 1 2 2 को लिख देंगे यहाँ पर, ये नहीं बनाना है, एक रो में लिख दिया। और इसमें कॉलम में शुरुआत की जो हमारी टेबल थी, यानी इक्वेशन नंबर 1 के बाद में जो मैट्रिक्स फार्मूला था, अल्फ़ा 3 की वैल्यू को नोट करेंगे, माइनस का 3 2 4, और फिर इसके बाद में अल्फ़ा 4 की वैल्यू है 0 1 0, अल्फ़ा 5 की वैल्यू है 0 0 1, इनको नोट करके रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है। माइनस शुरू में लिखा हुआ है, इसका इनटू इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा ये एक रो मिलेगा जो कि आएगा माइनस का 3, इधर नीचे बढ़ना है, इधर आगे बढ़ना है, प्लस का हो गया 4, प्लस का 8, फिर उसके बाद इसका इनटू यहाँ करना होगा 0, प्लस का 2, प्लस का 0, इसका इनटू यहाँ हो गया, इसका इनटू यहाँ पर करेंगे तो 0 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 हैं, यहाँ पर इनटू करने पर प्लस का 2 इनटू 1 2 हो गया। 12 में से माइनस करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 2 हो गया, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 2। इस तरीके से डेल्टा 3 की वैल्यू, डेल्टा 4 की वैल्यू, डेल्टा 5 की वैल्यू ये माइनस में आ गई है, यानी डेल्टा 3 की वैल्यू देख रहे हैं माइनस का 9 है, डेल्टा 4 की वैल्यू माइनस के 2 है, और डेल्टा 5 की वैल्यू भी माइनस के 2 आई है। तो सभी हम देख रहे हैं कि सिंस डेल्टा ये नेट एवलुएशन की वैल्यू 0 से कम है, 0 या 0 से कम है, यानी 0 से कम है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि जो लास्ट का हमारा जो करंट जो चल रहा है, भी करंट जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो इज़ ऑप्टिमल है। और इसमें हम इस टेबल से एक्स बी वाले कॉलम में जाके ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस पीपी का लिख सकते हैं, उसमें देख रहे हैं कि एक्स वन की वैल्यू 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वन की वैल्यू 4, एक्स टू की वैल्यू 6 है, लास्ट में यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और एक्स टू की वैल्यू 6 है, और जो मैक्सिमम जेड है वो भी हम यहाँ पर टेबल से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 12 आ चुकी है। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अलहमदिल्लाह रब्बिल आलमीन।